जस्टिस राजन सच्चर मेमोरियल व्याख्यान को सुनने के लिए जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जूम प्लेटफॉर्म पे, आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आज का विषय है नफरत की राजनीति और भारत के लोग। आज के व्याख्यान को चेयर करेंगे श्री एनडी पंचोली साहब, जो एक प्रसिद्ध एडवोकेट हैं और सोसाइटी फॉर कॉमनल हारमोनी से भी उनका दिल का नाता है। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर प्रेम सिंह, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और डॉक्टर अजीत झा, आप एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री विभाग से हैं। और आज के व्याख्यान के कर्ता धर्ता अगर हम कहें भाई फैसल खान जी, आप खुदाई खिदमतगार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गोष्ठी की शुरुआत करने से पहले और आदरणीय चेयर को इंट्रोडक्टरी स्पीच देने से पहले मैं सोसाइटी फॉर कॉमनल हारमोनी का एक छोटी टिप्पणी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सोसाइटी फॉर कॉमनल हारमोनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैन एंड वुमेन डेडिकेटेड टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कॉमनल हारमोनी। जो संस्था है वो 1990 में कुछ फ्रीडम फाइटर और स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम लेना बहुत ही उचित होगा, जिसमें प्रसिद्ध हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर बीजी संबरनाथ पांडे साहब, अली मियां नदवी जी, सादिक अली भाई, एस एम सुब्बा राव, रवि रे, ए के मर्चेंट साहब जैसे बहुत सारे लोकतंत्र के सिपाहियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज प्रोफेसर अनंत कुमार के मार्गदर्शन में ये सोसाइटी फॉर कॉमनल हारमोनी सद्भावना समाज के निर्माण हेतु और लोकतंत्र के नींव को मजबूत करने हेतु कार्यरत है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री एनडी पंचोली साहब को आमंत्रित करता हूँ आज के इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए। जी पंचोली साहब आप हैं तो सबसे फैजल भाई। जी सर, जी, आप इंट्रोडक्टरी स्पीच दीजिए। मुझे लगता है अरे नहीं कि बस वो आप, अरे खुदाई खिदमतगार, और आपने जो कह दिया वही बहुत है। और मुझे लग रहा है हम लोग लोगों को सुने, आज जी सच्चर साहब की चौथी पुण्य तिथि है और वो हम लोग के लिए जैसे सरपरस्ती करते थे, अब तो अभी मेरे पास उसके लिए शब्द भी नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी बात जो लगती थी वो एक एक्टिविस्ट से ज्यादा बहुत बड़े इंसान थे। यहाँ जो भी आता था, जब उसको पता लगता था कि सच्चर साहब बिल्कुल बगल में रहते हैं, तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि एक बार जरूर मिलने चलो। और मुझे लगता होगा मैं 100 से ज्यादा बार ऐसे लोगों को लेके और अकेले उनके घर गया हूँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना चाय के मैं वापस हुआ हूँ या वो लोग के लिए नहीं हो। तो एक अच्छे अखलाक जो आज जिसकी बहुत कमी है, और मुझे लगता है हमारा एक्टिविज्म फैलने में एक ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो हमें सच्चर साहब के जीवन से ये सीखना चाहिए, क्योंकि हम सारी जो इंसानी दुनिया बनाना चाहते हैं उसकी बुनियादी यही है, प्रेम सद्भाव, और उसको हमें अपने आप से ही शुरू कर देना चाहिए। जब तक वो मानवीय दुनिया या वो प्रेम से भरी दुनिया नहीं बन रही है, तो कम से कम हम छोटी छोटी दुनियाएं सबका घर टाइप तो बना ही सकते हैं जो हमारे बस में है। बस यही सबसे बड़ी सीख है, मैं लगातार उनसे सीखता था। और खुदाई खिदमतगार ये सीमांत गांधी के आदर्शों पे चलने वाला एक संगठन है जो छोटी मोटी कोशिशें कर रहा है इस वक्त देश में प्रेम की, सद्भाव की और कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की और कैडर बिल्डिंग करने की देश भर में, ताकि लोग तैयार हों मानवीय और इंसानी और जो भी आप उसको कहें लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद भाई फैजल। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से, और जस्टिस राजन सच्चर जी को गुजरे तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और 20 अप्रैल 2018 को उनका स्वर्गवास हुआ था।
और वो सिर्फ इमेंसिपेटरी फिगर माइनॉरिटी क्लास के लिए नहीं, लेकिन जो भी लोग सिर्फ माइनॉरिटी क्लास के इमेंसिपेशन के नज़रिए से उनको देखते हैं, वो एक ह्यूमन राइट्स के पैरोकार करने वाले थे, और उनका एक पेरेनियल सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है उनका काम और उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर और उनका एक्टिविज्म, लीगल एक्टिविज्म अगर हम कहें तो। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर प्रेम सिंह जी को। आप स्पेसेस एसोसिएट प्रोफेसर हैं और समाजवादी धारा और लोहिया विचारधारा के आप भी एक मजबूत सिपाही हैं, बिल्कुल जस्टिस राजन सस्सर जी के जैसा। तो आदरणीय प्रेम सिंह जी, आप अपने विचार को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद रणदीप। मेरे ख्याल से आज की इस स्मृति सभा के जो अध्यक्ष हैं पंचोली साहब, कुछ देर में हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, और अध्यक्ष तो सबसे बड़ा अतिथि होता किसी भी प्रोग्राम में, और अतिथि को देवता कहा जाता है, तो वो जहां भी होंगे हम लोगों को देख सुन पा रहे होंगे, तो वहीं से उनकी इजाजत ले करके मैं आज के इस मौके पर करीब 20 मिनट में अपनी बात आप लोगों के सामने रख देता हूं। जैसा कि कहा गया है, सच्चर साहब की पुण्यतिथि पर यह संगोष्ठी आहूत हुई है। सच्चर साहब की स्मृति में एक विधिवत और औपचारिक स्मृति व्याख्यान माला का प्रयास होता रहा है, लेकिन बीच में कोरोना महामारी ने उसका सिलसिला तोड़ दिया। एक हम लोगों ने जस्टिस सच्चर मेमोरियल लेक्चर फोरम बनाया था, और उसके तहत उनकी 22 दिसंबर को जो जयंती होती है उस पे दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस जसपाल सिंह जी का लेक्चर कराया था, लिखित लेक्चर, काफी पहले उनसे बातचीत करके। और योजना यह थी कि कम से कम 10 लेक्चर करा के और एक पुस्तक उसकी तैयार कर ली जाए। इसी के समानांतर जो लॉ इंस्टीट्यूट है सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने भी ये घोषणा भी की थी कि जस्टिस सच्चर की स्मृति में वे हर साल उनकी जयंती पर एक व्याख्यान का आयोजन करेंगे, और पहला व्याख्यान जस्टिस लोकुर ने दिया था, वो भी लिखित व्याख्यान था, लेकिन उसके आगे सिलसिला चल नहीं पाया संजय पारिक जी से। पिछले साल जब 22 दिसंबर आया तो हमारी बात हुई, और लगभग ये सहमति बनी कि भाई एक ही लेक्चर करा लिया जाए दोनों तत्वाधानों को मिला करके, और उस सिलसिले को जारी रखा जाए, और पुण्यतिथि पर हम लोग मिल करके कभी सभा सेमिनार, कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ इस तरह का करते रहे। तो पिछले 22 दिसंबर को हॉल भी बुक करा लिया गया था, वक्ताओं के बारे में भी चर्चा हो गई थी, लेकिन फिर कोरोना महामारी की वजह से सारा बंद हो गया, तो सिलसिला शुरू नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि इस बार 22 दिसंबर से वो स्मृति व्याख्यान औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। आज के, हाँ, मैं ये भी बता दूं कि हालांकि ये कार्यक्रम सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी और खुदाई खिदमतगार के तत्वावधान में हो रहा है, और जैसा कि इसके प्रस्तावक हैं डॉक्टर रणधीर गौतम जी, उनका आपने पूरा हाव भाव, भाषा, संप्रेषण देखा होगा कि वो कितने माइल्ड हैं, और
अध्यक्ष आनंद कुमार जी हैं। मैं थोड़ा सा आप करता नहीं था ऑनलाइन चर्चा में हिस्सा लेना या सुनना, ये तो चल रहा था, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के अलावा इस मोड में वक्ता के तौर पे कुछ कहने की मैंने वो की हुई थी। तो आनंद जी ने जैसे धमका दिया, फैजल भाई की गिरफ्त से तो मैं निकल गया, लेकिन आनंद जी ने धमका दिया और कहा कि नहीं ये करना ही है। तो आज का जो विषय है उस पे मैं, जब तक अजीत भाई आए, मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रख देता हूं। नफरत की राजनीति सांप्रदायिक राजनीति का ही एक उग्र रूप है। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दलों की, चाहे वो एक पार्टी का शासन हो या गठबंधन का शासन हो, राजनीतिक सत्ता पर अगर कब्जा होगा तो जाहिर है कि नफरत की राजनीति फले फूलेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि जो राजनीतिक दल एक संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्ष राजनीति की वकालत करते हैं, उसे मानते हैं, बल्कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष नेता कहा जाता है, तो उनके ऊपर जो नागरिक समाज है, जो ये मानता है निर्णायक रूप से कि सियासत में धर्म का इस्तेमाल भारत के संविधान के खिलाफ है, बल्कि वह राजनीति और धर्म के भी खिलाफ, ये एक दबाव धर्मनिरपेक्ष दायरे के दलों पर बनाया जाए और ऐसी स्थिति जल्दी से जल्दी आए भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में, कि हम सांप्रदायिक राजनीति का पूरी तरह से निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, और इसी आधार पर हम भारत के लोगों से वोट देने की अपील करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के चोर बाजार में ही सांप्रदायिक राजनीति यहां तक पहुंची है। तो ये जो सोसाइटियां हैं, जो हमने बना रखी हैं, संस्थाएं बना रखी हैं, या हमारे व्यक्तिगत प्रयास है नागरिक समाज के तौर पे, या जो छोटा मोटा हम राजनीतिक प्रयास भी करते हैं वैकल्पिक राजनीति के तौर पे, तो उसे इस बिंदु पर हम एकजुट करें कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ धर्म निरपेक्ष राजनीति को खड़ा किया जाए और उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ये स्थिति अगर बनेगी तो जिसे हम डिस्कोर्स कहते हैं, नैरेटिव कहते हैं, वो बदलेगा। केवल जो नग्न सांप्रदायिक राजनीति है, जो नफरत की राजनीति में परिवर्तित हो जाती है स्वाभाविक तौर पर, उसके साथ या उसके समानांतर वोटों के डर से, यानी लोगों पर अविश्वास करके एक छोटी लकीर खींचने के पीछे पीछे लगे रहना, ये अंतहीन सिलसिला है, इसे रोका जाना चाहिए। एक ये भूमिका हो सकती है हम भारत के लोगों की नफरत की राजनीति के संदर्भ में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के नागरिक समाज के सामने, यानी भारत के लोगों के सामने, संघर्ष के, लड़ाई के, प्रतिरोध के बहुत सारे मोर्चे खुले पड़े हैं और पिछले 30 साल से खुले पड़े हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के सारी इकाइयों परिसंपत्तियों को इस तरह से बेचना, रेलवे से लेकर के अब तो सेना तक बात आ गई है, कॉरपोरेट घराने के लोग अब बता रहे हैं कि सैनिक साजो सामान जो है वो कैसे, जो पहले से स्थापित कंपनियां आजाद भारत में बनाई गई थी वो अंडर यूटिलाइज्ड है या उनका कोई काम नहीं है, तो नए कॉरपोरेट घरानों को वो दे दिया जाए। तो एक लंबा एक ये दायरा है, इसके बारे में संघर्ष को खड़ा किया जाए। शिक्षा का इतना संजीदा मसला है और हमारे देखते देखते पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। तो उस मोर्चे पर लड़ाई, जिस तरह से लेबर लॉज को बदला जा रहा है, बदल दिया गया है, जिस तरह से खेती किसानी के नियमों को बदला जा रहा है, ये सब चीजें हम लोगों के सामने हैं। तो इन पर संघर्ष को केंद्रित किया जाए। और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इससे होगा क्या कि एक तो नई पीढ़ी को कुछ नई बात सोचने करने के लिए सामग्री मिलेगी, खुराक मिलेगी। केवल ये कहते रहने से कि नई पीढ़ी के लोग जानते नहीं है फ्रीडम मूवमेंट के बारे में या उसके आइकॉन्स के बारे में या उसके मूल्यों के बारे में या इवन संविधान के बारे में, तो अगर ये काम चलेगा तो अपने आप ही उनके मानस में एक नई चीज पैदा होगी और एक नई सोच उससे पैदा होगी और उससे नैरेटिव बदलेगा। इसके साथ ही जो मीडिया है उसे भी एक नई सामग्री मिलेगी, क्योंकि अभी तो हो ये रहा है कि चाहे सोशल मीडिया है चाहे मुख्यधारा मीडिया है, उसमें नफरत की राजनीति के सारे ब्यौरे देने की, वो पक्ष में दिए जा रहे हैं विपक्ष में दिए जा रहे हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रचार उन्हीं का होता है उससे। तो वहां से वो चलता रहेगा, उसे हम रोक नहीं सकते। एकेडमिक पर्पज के लिए कुछ लोग ये काम करते रह सकते हैं कि सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल किया है सांप्रदायिक ताकतों ने, किस तरह से कर रही है, लेकिन उसे ही लेके बैठे रहना, इससे पूरे मीडिया में वही बहस छाई रहती है। तो अगर हम ये जो मोर्चे हैं जिससे पूरे भारत की परिसंपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, उससे जाहिर संस्थानों का डिक्लाइन तो होगा ही, तो उस पे हमारी लड़ाई अगर एकजुट होगी, केंद्रित होगी, लोगों को साथ लेकर के होगी, तो राजनीतिक दलों पर उसका दबाव बनेगा। केवल नागरिक समाज के करने से नहीं हो सकता है, लेकिन उस पे दबाव बनेगा और जाहिर तौर पर जो नैरेटिव है वो बदलेगा। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत की राजनीति जिस तरह से संभव हो रही है और बेलाग चल रही है, उसमें जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। नागरिक समाज जिसमें पुलिस के कार्यरत और अवकाश प्राप्त छोटे से लेकर के बड़े तक कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं, उन्हें मतलब उन्हें लेकर के ये बहस देश में होनी चाहिए कि पुलिस अगर जो भी सरकार बन गई है, जो भी नेता बन गया है, अगर वो उसी के ही दिमाग में जो कुछ आ रहा है उसका पालन करने में लग जाएगी, तो फिर नफरत की राजनीति को कोई रोक नहीं सकता है। तो एक नागरिक समाज
हम ये तो कहते हैं कि भारतीय स्टेट को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका तो जहां गैर एनडीए पार्टियां हैं वहां भी वैसी ही है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक क्रूशियल मुद्दा है, इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए और पुलिस वालों को साथ लेकर के होनी चाहिए। पिछली सारी जो रपटें आई हैं उन सब के आधार पे होनी चाहिए कि पुलिस का जो औपनिवेशिक चरित्र आज तक चला आ रहा है और उसमें सामंतवाद के तत्व ज्यादा घुले हैं, लोकतंत्र के तत्व जा ही नहीं पाए हैं, इसे कैसे रोका जाए और एक अच्छी पुलिस व्यवस्था भारत में कायम की जाए। हमने कल देखा ही, बहुत लंबे समय तक हर इंटरनेशनल चैनल पे ये आ रहा था कि यूके के प्रधानमंत्री पर पुलिस ने फाइन किए हैं, कई फाइन किए हैं और अभी और भी फाइन होने हैं। और कल ब्रिटेन की संसद में जो बहस चल रही थी उस पर खड़े होकर के विपक्ष उनके ऊपर हमला बोल रहा था खुलेआम, और वो हर स्पीच के बाद अपोलॉजी अपनी पेश कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बस ये तीन बातें मेरे दिमाग में फिलहाल आई और मैंने आप लोगों के सामने रखा, जो आज का हमारा विषय है, नफरत की राजनीति और भारत के लोग। बस अंत में मैं फैजल भाई की बात को दुरुस्त करते हुए ये और कहना चाहूंगा कि जो हमारी अप्रोच का सवाल है, हमारी मतलब भारत के लोगों के अप्रोच का सवाल, अगर हम उनका प्रतिनिधि होने का, उनका प्रवक्ता होने का दावा करते, हम अपनी अप्रोच को नफरत की अप्रोच ना रखें, ये बहुत आसान नहीं है। इसके बारे में हम बल्कि सच्चर साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं, उनसे हम ये बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मेरा पिछले 10-12 साल तो बहुत ही घनिष्ठ उनसे संबंध रहा, सब तरह के लोग उनसे मिलने आते थे, घर पे भी और घर के बाहर भी। उन्हें वो किसी में कोई भेद नहीं करते थे, बात पे अपनी दृढ़ रहते थे, अपनी बात रखते थे, कहते थे, लेकिन वो इसलिए किसी से घृणा नहीं करते थे कि ये वो है, ये वो है, वो है। मैंने एक से एक कट्टर मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व को उनसे बात करते हुए देखा है और एक से एक कट्टर हिंदू सांप्रदायिक तत्व को उनसे बात करते हुए देखा है। उनके मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं होती थी। तो घृणा की राजनीति को अगर मिटाना है तो हमें अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम सिंह जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बातों को रखा और सचर साहब की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ते जा रही है और जिस चीज़ का डर सचर साहब को था वो हम देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो डर हकीकत में बदलती जा रही है और हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई। तो यूं तो आदरणीय एनडी पंचोली साहब को पहले बोलना था लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से वो हमसे देरी से जुड़े, तो मैं अब आदरणीय एनडी पंचोली साहब से आह्वान करता हूं कि वो आज की गोष्ठी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बयान जारी करें। जी साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है सर। जी जी आ रही। अच्छा नहीं,
सॉरी मैं देर से जुड़ा, तो मैं तो सोच रहा था कि अभी हमारे वक्ता कुछ बोलें और मैं अंत में बोलूं, तो ये सोचता था मैं, लेकिन जो अभी बातें उन्होंने कही प्रेम सिंह जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी हैं कि हम किस प्रकार से जो मुद्दे हैं, जो हमारे सामने मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, लेबर कानून को जिस तरीके से बदला जा रहा है, और जो हमारे बने हुए उद्यम हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जो स्टेट स्टेट के अपने जो उद्यम बनाए गए थे, वो इसलिए बनाए गए थे कि हम के ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, एक कल्याणकारी राज्य हम लोगों ने बनाया, और उस कल्याणकारी राज्य के अंदर ये हम, और इसलिए बनाया कि आम आदमी को, आम जनता को ये संभव नहीं है कि वो जितने सारी जो हमारी जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरा करे। इसीलिए हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के अंदर बनाए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर बहुत सारे जो जो हमको जो जो लक्ष्य रखे गए हैं हमारे राज्य के लिए, कि हर मनुष्य का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा उठाना होगा, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज पर सभी का समान अधिकार होगा, ये समान अधिकार होगा, तो और राइट टू वर्क को हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। अगर जब 1931 में फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में 1931 में, चाहे कराची का अधिवेशन था, तो उसमें तो ये कहा गया था कि जब हम आजाद होंगे, जब हमारा देश बनेगा, तो राइट टू वर्क जो है, रोजगार का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट होगा। तो जब हम आजाद हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी उसको नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो रखा गया। उसका अर्थ यही था कि राज्य का उद्देश्य होगा कि धीरे धीरे हम इसको जो जो ये हमारा लक्ष्य है रोजगार का अधिकार का, उसको हम पूरा करेंगे, और उसको एक दिन ऐसा आएगा कि वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर, सिद्धांतों के अंदर उनको लाया जाएगा। लेकिन अब 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, और तब भी वो स्थिति वैसी की वैसी है, और अब कुछ सालों से तो और बदतर होती जा रही है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको जनता का ध्यान लाना चाहिए। जो प्रेम सिंह जी ने कहा कि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, और बहुत सारी जो हमारे हेल्थ की जो स्थिति है उसमें भी, उसको भी बदतर किया जा रहा है, सब हमारे उद्यम बेचे जा रहे हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है? और फिर एक नारा लगाया जा रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों का कर्तव्य है, जो इस हम सोचते हैं इस समाज को, इस देश को एक एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, इसको एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसमें जनता का जो ध्यान है, लोगों का जो ध्यान है, वो हम
हमको जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 है, उसके उनके उनके उपयोगिता को हमें जनता में बताना चाहिए। वो शिक्षा क्या दे रही है, किस तरह के आज प्रचार चल रहा है कि वो नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है और झूठे झूठा प्रचार किया जा रहा है कि देखिए इतने इतने वो हमने तो जुलूस निकाला और हम तो रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे, हम तो बजरंग दल का जुलूस निकाल रहे थे, और लेकिन वो हम पत्थर फेंकते हैं। मैं तो चांदनी चौक में रहा हूँ, किनारी बाजार में कम से कम 50-60 साल रहा हूँ, पैदा भी वहीं हुआ, और रामलीला वहां से निकलती थी, जामा मस्जिद के पीछे से बन के चलती थी और चांदनी चौक से होती हुई जाती थी, होशकाजी होती हुई, अजमेरी गेट, सारे मुसलमानी मोहल्लों में। तो सन बचपन से जब से मैंने देखा है, सन 50 से या 45 से जब तक बड़े होते गए, 10 दिन तक हर साल दशहरे तक ये रामलीला निकलती रहती थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कोई पत्थर फेंका हो, कभी ऐसी बात नहीं हुई। और बल्कि उनका स्वागत किया जाता था, जहां जहां से वो मुसलमानी मोहल्लों से वो रामलीला निकलती थी। लेकिन इन सब बातों को जो आज की जनरेशन है उसके सामने नहीं लाया जा रहा है, बल्कि एक उल्टा प्रचार किया जा रहा है। और अब देखिए हम जिस तरीके से जहांगीरपुरी के अंदर जो भी कुछ हुआ, और जो और उसके फौरन बाद बुलडोजर पहुंच गए वहां और कहे कि हम इनको गिराएंगे, ये एनक्रोचमेंट है। तो और उसमें मतलब इतने इतने हजारों परिवार इतने सालों से वहां रह रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी जगह में बना करके रह रहे हैं। पता नहीं कितने सालों कितने वर्षों से उन्होंने अपनी कमाई से उस छोटी छोटी जगह को बनाया है। तो जो जो संवेदना है, जो एक प्रकार से जो दूसरों के लिए विचार किया जाता है, भाई पता नहीं क्या किस तरह का एक मानस हो गया है कि वो इस बात को सोचते नहीं कि कैसे आप बुलडोजर चला देंगे, बच्चों को बेकार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उनको सड़क पे बिठा देंगे। तो इसमें और ये अच्छा है कि आवाज उठी है इसके खिलाफ, चारों तरफ से आवाज उठी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे भी दिया है। वो इसलिए दिया है कि हम बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, और इसलिए ऐसे हालात में बोलना बहुत जरूरी है। इनको इनके जो जिस तरीके से नफरत के विचार फैलाए जा रहे हैं, वो उसका उसको उसके खिलाफ हमको जितना हम बोल सकते हैं हमको बोलना चाहिए, और यही एक रास्ता है हमारे सामने। अब जनता को शिक्षा कैसे करें, एक वो दे देते हैं एक कोई सत ने कौन से वो संत जी हैं जो कहते हैं कि मारो काटो बच्चों बच्चों को, कहते हैं हिंदुओं को कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, तलवारें उनके हाथ में लो तलवार, और वो कहते हैं कि अगर 20-25 साल में हिंदुओं ने तलवारें नहीं उठाई तो हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। अब उनसे पूछा जाए कि 1000 साल तक मुसलमान यहाँ राज करते रहे तब तो हिंदू समाज खत्म नहीं हुआ, वो मेजोरिटी में ही रहा, अब 20-25 साल में ये कैसे समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो नफरत का प्रचार चल रहा है उसमें हम किस प्रकार से लोगों को सही उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, वो आज बहुत जरूरत है, हमको बोलना चाहिए। तो मैं तो अभी मुझे तो याद आते हैं सच्चर साहब अगर होते तो जरूर वो जो जहांगीरपुरी में जब वो बुलडोजर लेने पहुंचे थे तो वो भी वहां पहुंच जाते, और उस वो और कई जगह वो पहुंचे भी हैं, उन्होंने रुकवाया भी है, ऐसे हालात के अंदर कहीं भी वो पहुंच जाते थे। तो उनकी आज बहुत याद आती है, और उन्होंने जो जो रखे हैं आदर्श जो रखे हैं उनको हमें याद करना चाहिए। और प्रेम सिंह जी ने जो बातें कही कि जो एक तरफ से जो
एक तरफ से जो जनता का ध्यान दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, हमारा ये कर्तव्य होता है कि जो सही जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं उस तरफ हम जनता को जाएं कि ये हमारा संविधान कितना जरूरी है, इसको बचाना कितना जरूरी है और उस पर हम एक मजबूर करें पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो इस नफरत के बाजार से निकल करके सही मुद्दों पर आए। और ये तभी हो सकता है जब हम एकजुट कर होकर, जो जैसे प्रेम सिंह जी ने कहा, हम सब मिलजुल करके ये आवाज उठाएं। और ये हो सकता है ये नफरत, मैं थोड़ा सा एक मिनट और लूंगा कि नफरत का बाजार तो हमेशा से होता रहा है, पहले भी होता रहा है, आजादी से पहले भी होता रहा और जब अंग्रेज आए उनसे पहले भी होता रहा है। अगर कबीर बोलते हैं, गुरु नानक बोलते हैं, अमीर खुसरो बोलते हैं, भाई सब मिलजुल कर रहो, तो वो मिलजुल कर वो इसलिए बोलते हैं कि ये नफरत की बातें उस समय भी होती थी और उसको उसको काउंटर करने के लिए वो हमारे जो ये गुरु हैं, गुरु नानक, कबीर और बहुत सारे, गांधी जी, गोखले, ये सब अपने बातें करते रहे। तो वो जो एक धारा जो चली है भाईचारे की, प्रेम की, के हम सब मिलजुल कर रहे हैं, वो भी बहुत मजबूत है। मुझे तो विश्वास है कि ये कुछ दिनों का ये एक चलेगा, जो जिस तरीके से नफरत का बाजार ये गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो धाराएं हमारे पुरखों ने रखी हैं, गुरु नानक जैसे लोगों ने, कबीर जैसे लोगों ने, गांधी जी जैसे लोगों ने, तो वो बहुत मजबूत हैं। वो फ्रीडम स्ट्रगल में भी मजबूत थी और इसी वजह से हमने कोई हिंदू राष्ट्र का मेजोरिटी में होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं चुना, हमने एक सेकुलर नेशन चुना 1947 में। और वो धाराएं मजबूत, उनको हमें और मजबूत करना है और हम, मुझे विश्वास है कि इस नफरत के बाजार का हम मुकाबला कर सकेंगे। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय पंचोली साहब, आपने जिस आशावादी दृष्टिकोण से सचर साहब को याद किया और उनके विचारों की प्रासंगिकता को हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर अजीत झा जी से आह्वान करूंगा कि वो आज की गोष्ठी के उपलक्ष्य पे कुछ विचार साझा करें। सबसे पहले तो मैं सच्चर साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूं और जैसा पंचोली जी ने बताया कि बुलडोजर चल रहे हैं, दंगे हुए हैं और सच्चर साहब की स्मृति में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस चर्चा का एक विशेष संदर्भ हो जाता है। देखिए, नफरत की राजनीति इस वक्त जो है देश में, वो केवल वो नहीं है जो अखबारों के हेडलाइंस में हम पढ़ रहे हैं। हर दिन उसको क्वांटिफाई करना तो संभव नहीं होगा, पर कुछ लाख घटनाएं कम से कम होती होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। नफरत की राजनीति और नफरत की राजनीति का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो इतना बड़ा है इस वक्त कि अब उसको आम तौर पर कोई केंद्रीकृत फैसले लेने की भी जरूरत है। उसने एक इकोसिस्टम बना दिया है और ऐसे लोग बड़ी संख्या में तैयार कर दिए हैं जो लगातार जघन्य से जघन्य अपराध करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि उनका इससे सत्ता प्रतिष्ठान में सम्मान बढ़ेगा, समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा, और सम्मान नहीं भी बढ़ेगा तो उनकी ताकत, उनकी हैसियत, उनका बिजनेस, उनकी नौकरी, उनकी राजनीति, ये तो जरूर चपके। ये एकदम से एक युद्ध का समय है, जिस
काल में आपके पास बहुत कम औजार हैं इसका मुकाबला करने के। किसी भी लोकतंत्र में या सामान्य समाज में, मैं सभ्य समाज की बात भी नहीं कर रहा, उसमें जो प्रतिरोध के उपकरण होते हैं वो हमको आपको इस दौर में उपलब्ध नहीं है। इस दौर में हमारे पास एक वोट का उपकरण है जिसके द्वारा सत्ता बदली जा सकती है और जिसके द्वारा भारत के कई राज्यों में सत्ता बदली गई है और इन उन्मादी नफरती दंगाई समूहों को सत्ता में आने से रोका गया है। हर समय राज सत्ता का चुनाव का इतना महत्व नहीं होता है, पर हमारे आज के समय में राज सत्ता की चुनाव की एक निर्णायक भूमिका है। तो जो ताकत दिखती है, कई बार हम आक्रांत हो जाते हैं, कई बार हमको लगता है लोग नफरत के साथ, नफरत की लोकप्रियता बहुत ज्यादा, इसका सत्ता से सीधा संबंध है। अगर ये अभी सत्ता में ना हो या सत्ता से बाहर हो जाए तो ये जो हमको लगता है कि एकदम सारा समाज उन्मादी हो गया है और सारा समाज उन्माद का समर्थन कर रहा है, ये आपको अगले दिन से दिखना बंद हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि उन्मादी समूह नहीं रहेंगे, उन्मादी पार्टियां नहीं रहेंगी, आरएसएस नहीं रहेगा, उनके नफरत फैलाने वाले संगठन नहीं रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन जिस किस्म की व्यापकता, जिस किस्म का एक विजेता भाव समाज में इस वक्त दिखता है वो नहीं दिखेगा, वो सत्ता के द्वारा पैदा की गई। और हम इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि सत्ता पे जो उनका अधिकार है और मुख्यतः केंद्र की सत्ता पर उनका अधिकार है, अभी भी भारत में जो एमएलएज हैं उसका बहुमत उन पार्टियों का है जिनका उनसे कोई सीधा संबंध नहीं किसी किस्म का, और एक दो बड़े राज्यों को छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों में अभी उनकी सरकार देती है। पर हिंदुस्तान के संविधान में संविधान की भावना का उल्लंघन करके केंद्र सरकार ने जिस ढंग से सत्ता हथिया रखी है उसके कारण उनकी ताकत और उनका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। और ये बिल्कुल हिटलर की कॉपीज की पूरी नकल कि आप किसी भी तरीके से सत्ता में आ जाएं, जैसा हिटलर कई समझौते करते और 30-32 फीसदी वोट लेकर के सत्ता में आया, पर एक बार जब सत्ता में आया तो गुंडों के गिरोहों को खुली छूट देकर जो लोकतांत्रिक प्रतिरोध था, जो बहुसंख्यक आबादी का प्रतिरोध था, उसको बेमानी बना दिया गया, उसको कुचल दिया गया गुंडों के द्वारा और गुंडों के पीछे राजसत्ता खड़ी थी। उसी रणनीति का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है और उसी संदर्भ में हमको अपनी रणनीति का फैसला करना है। एक वोट का औजार है जिसकी तरफ प्रेम सिंह ने इशारा किया। क्या हम ऐसा माहौल पैदा कर सकते हैं जिस माहौल में वोट के द्वारा इनको सत्ता से हटाया जा सकता है, खासतौर पर केंद्र की सत्ता से? ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि देखिए, जिन सवालों के बारे में हम लड़ना चाहते हैं भविष्य में, वो कोई नए सवाल जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़े सवाल, जो लोगों की डिग्निटी से जुड़े सवाल हैं, जो समता के सवाल,
जो हिंदुस्तान को सही मायने में समृद्ध बनाने के सवाल है। ये सवाल आज से नहीं है, ये 1947 से बने, और इसको बनाने के लिए चुनाव, आंदोलन, संघर्ष, रचनात्मक काम, हर तरह के तरीके का इस्तेमाल किया गया। पर क्या उनकी पुनरावृत्ति इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है क्या? हमारा पिछले सालों का दशकों का केवल सांप्रदायिक राज के खिलाफ नहीं, पर कॉर्पोरेट राज तो हमने माना कि 1991 से आना शुरू हुआ, और उससे पहले के राज को के बारे में भी हमारी तो कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी। आज हम उनमें से कई आइकन्स को इन्वोक करते हैं अपनी राजनीति के लिए, पर जब वो सत्ता में थे तो क्या उनके सत्ता की दिशा हिंदुस्तान की बुनियादी समस्याओं के समाधान की थी क्या? तो जिसको हम जनपक्षीय राजनीति कहते हैं, वो राजनीति व्यवस्था को बदलने में कितनी कारगर रही है, इसके बारे में थोड़ा हमको सोचना चाहिए। उसने प्रतिरोध किया, उसने दबाव बनाया, उसके दबाव में बहुत चीजें हुई, देश के विकास में उसका भी बड़ा योगदान है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर जो अभी चुनौती ये नहीं है कि हमको 5% वोट, 7% वोट, 2% वोट भी आए या हम चुनाव भी न लड़े। 1980 के बाद तो जितने बदलाव हुए वो सब उन आंदोलनों की वजह से हुए जो कभी चुनाव नहीं करते। लेकिन क्या आज ये संभव है क्या कि इस सत्ता प्रतिष्ठान पर हम दबाव के द्वारा कोई भी असर डाल सकते हैं क्या? मेरी समझ में हम दबाव के द्वारा कोई भी असर नहीं डाल सकते, इसलिए इनको सत्ता से हटाने में, उसके लिए हर किसी को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है, उसके लिए हर किसी को चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, पर हमारी समझ और रणनीति के केंद्र में ये होना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं इससे ये सत्ता से हटेंगे क्या। इसको हमें बहुत सख्ती से देखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात कि हमें अपने सिद्धांतों के बारे में, कभी कभी उसको हम आइडियोलॉजी भी कहते हैं, कभी मूल्य बोध भी कहते हैं, इसके बारे में दृढ़ होना, इस पे टिके रहना, संकट के समय और मजबूती से पकड़ लेना, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अब हम मास डेमोक्रेसी के युग में जी रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कि लोगों को वोट देने का हक है, बल्कि इसलिए भी कि सोशल मीडिया के जो नए उपकरण हैं उसके माध्यम से सामान्य आदमी, गैर पढ़ा लिखा आदमी, वो भी अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है और अपने आप को सिद्धांत से पूरी तरह युक्त पाता है, वो चाहे नफरत का ही सिद्धांत क्यों ना हो। इस दौर में हमको समाज से संवाद करना है, जहां समाज में इस बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं है कि आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप बहुत बड़े लेखक हैं, अगर आप उसके मन की बात जो आज उसके मन में है उससे आप असहमत हैं, तो केवल भाजपा की नजर में नहीं, उनके सामान्य समर्थकों की नजर में भी आप देशद्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं। इस समाज के साथ आपको संवाद करना है, जिसके पास हर दिन गलत या सही इतनी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और उसको इतने सवाल दिए जाते हैं आपसे पूछने के लिए, कि हम में से ज्यादातर लोग उस सवालों के आशय का तो जवाब दे सकते हैं, पर वो जो स्पेसिफिक सवाल होते हैं, जो ज्यादातर झूठे ही होते हैं,
पर हम में से ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि ये झूठा सवाल है। इस दौर में हमको समाज से संवाद करना है, तो उस संवाद की भाषा क्या हो, उस संवाद का तरीका क्या हो, इसके बारे में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए, इसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में। और साथ ही साथ जब वो नफरत फैला रहे हैं हर दिन, मैं कह रहा हूं 1,00,000 जगह 1,00,000 घटनाएं होती हैं, कोई कह सकता है कि 1,00,00,000 घटनाएं भी होती हैं, तो क्या हम सब मिलके सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी नहीं, कोई हम लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं वो नहीं, पर जितने लोग इस नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, वो क्या हर रोज लाखों मोहब्बत फैला नहीं सकते क्या? फैला सकते हैं अगर उनके पास टेम्पलेट हो, अगर हम रिएक्टिव मोड से बाहर आए, अगर हम घटनाओं का इंतजार न करें, उनके सवालों का इंतजार न करें, उनके प्रोपोगंडा का इंतजार न करें, तो हम लोग लाखों मोहब्बत की कहानी हर रोज इस देश में फैला सकते हैं। देखिए, जो मूल्य बोध होता है इंसान का, वो उसके अनुभव से आता है, वो किताब से नहीं आता। बड़े से बड़ा विद्वान घंटों और महीनों और सालों प्रवचन देता रहे, उससे लोगों का कॉमन सेंस बदलता नहीं है, उससे लोगों का मूल्य बोध बदलता नहीं है, केवल उनके अनुभव से बदलता है। और जो उनका मोहब्बत का अनुभव है, रोजाना कई करोड़ लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हिंदू मुसलमान भी करते हैं, उसको अगर कोई भाषा दी जा सके, उसको कोई अगर रूप दिया जा सके, तो हर दिन लाखों करोड़ों नफरत के मुकाबले में हम ज्यादा मोहब्बत फैला सकते हैं। इसके हजारों उदाहरण हैं, मैं अभी सिर्फ 1-2-3 उदाहरण देख के आपको ये बात खत्म कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा कि कर्नाटक के एक संप्रदाय का, हिंदू संप्रदाय का मंदिर है जहां से हर साल रथ यात्रा निकलती है, पर जब वो रथ यात्रा निकलती है तो रथ यात्रा निकलने से पहले एक मौलवी वहां आता है और कुरान की कुछ चीजों का पाठ करता है, उसके बाद ही वो रथ यात्रा निकलती है, उससे पहले वो रथ यात्रा नहीं निकलती। इस बार बहुत कोशिश की गई कि इस परंपरा को तोड़ा जाए, मगर उस परंपरा को तोड़ा जा नहीं सका। इस बार भी उसी परंपरा के हिसाब से वो रथ यात्रा वहां से निकली है। अगले साल क्या होगा ये हमारे अभिक्रम पर निर्भर करेगा। दूसरा एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, दिल्ली में गांव है घुमणहेरा द्वारका की तरफ, अभी हमारे कुछ साथी वहां गए थे किसी काम के सिलसिले में, आपकी मीटिंग में भी आए हैं डॉक्टर अमित 1-2 बार, उन्होंने मुझे बताया कि वहां उस गांव में एक स्थान है, वो मंदिर है या मस्जिद है या क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर हिंदू आकर के अपने हिसाब से उपासना करते हैं और मुसलमान आके अपने हिसाब से उपासना करते हैं, और अभी तक वो उस गांव में कायम है। कुछ साल पहले 10-15 साल हो गए होंगे अब, मुझे कुशीनगर जाने का मौका मिला जहां गौतम बुद्ध अपनी परिनिर्वाण की अवस्था में है वहां, और उस मूर्ति के उस परिनिर्वाण अवस्था में जो उनका स्टैच्यू है उसका रखवाला कौन था उस समय? उसका रखवाला एक मुसलमान था, और जो लोग जाते हैं कुशीनगर उस मूर्ति को देखते हैं तो वो बताता है उसके बारे में, मूर्ति के बारे में, और उसके आंखों में जो चमक थी, उसके आंखों में जो गर्व था, उसकी आंखों में जो लगाव था,
बुद्ध के बारे में, और वो कभी मेरे जहन से निकलती नहीं। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर गांव में, हर बस्ती में हमको इस ढंग के उदाहरण मिलेंगे। इसको क्या हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो औजार इस वक्त काम आएंगे, उन औजारों की पहचान करें, उन औजारों पे ध्यान दें। युद्ध का काल है। प्रेम सिंह ने बिल्कुल कहा कि हमको नफरत नहीं करना है, हमको नफरत नहीं करना है किसी। मैं इनलाइटनमेंट पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, प्रबोधन पढ़ाता हूँ, और प्रबोधन एक टॉलरेंस का डॉक्ट्रिन है, एक सहिष्णुता का डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत। मगर वो जो सहिष्णुता के खिलाफ है उनके बारे में बहुत इंटॉलरेंट था और उससे बहुत समस्या पड़ी। तो हमें अपना मानवीय पक्ष नहीं छोड़ना है, पर युद्ध काल में जीवन रक्षा करना, समाज रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस युद्ध को जीतना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और इसके लिए जो हथियार काम आ सकते हैं, उन हथियारों को हम ज्यादा पैना करें, उन हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही खूबसूरती से कैसे कॉमनल हारमोनी को फैलाया जाए, लोक जनजागरण से लेके, और जो कोएग्जिस्टेंस का कल्चर है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें, बहुत ही खूबसूरती तरीके से आपने अपने बातों को रखा। इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सोसाइटी फॉर कॉमनल हारमोनी की तरफ से। तो मैं अब डिस्कशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। तो अगर किन्हीं महानुभाव के पास कोई प्रश्न है, बहरहाल कुछ प्रश्न आए हैं। क्या फैजल भाई का संबोधन नहीं होगा? संस्थानों में भी जो शिक्षक पठन पाठन, मेरा संबोधन नहीं है, मैं बस आपके फैजल भाई नहीं, मैं तो आप सबको सुन रहा हूँ। बहुत शानदार आज का प्रेजेंटेशन। जी जी, कुछ दो तीन प्रश्न हैं चैट बॉक्स में। उसमें एक तो हालांकि प्रेम सिंह जी जवाब दे चुके हैं कि शिक्षक भी जिस तरह से यूपी से एक हमारी पार्टिसिपेंट लिख रही हैं कि वहां भी कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है पठन पाठन के कार्यक्रम के माध्यम से, तो उसको कैसे दूर किया जाए। और एक बिहार से लिख रही पार्टिसिपेंट की पुलिस का रोल कैसे तय किया जाए, पुलिस को कॉम्युनल होने से कैसे रोका जाए। तो इन सवालों के ऊपर कुछ अगर जवाब देना चाहते हैं हमारे कोई डिस्कशन, हमारे कोई पार्टिसिपेंट, तो प्लीज। तो सबसे पहले प्रेम सिंह जी को ही आमंत्रित कर लें। मैंने वो सवाल पढ़ा और इसके बारे में शिक्षक होने के नाते पहले भी इस तरह की बात कानों तक आती रही है कि शिक्षक भी कक्षा में सांप्रदायिक सोच का प्रदर्शन करते हैं। तो जैसा कि मैंने जवाब में लिखा भी है, उसका जवाब, चूंकि कक्षा पर शिक्षक का अधिकार है इस व्यवस्था के तहत, तो कक्षा में ही या कक्षा के बाहर विनम्रता से और शालीनता से उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दरअसल ये जो इस तरह की बात हो रही है, अच्छा इस प्रश्नकर्ता ने सवाल उठा दिया, ये इस तरह से है कि ये जो पूरा शिक्षा व्यवस्था का
उसके साथ जुड़े हुए पद पुरस्कारों का वो है पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो लोगों को शिक्षकों को एक तरह से लालच में डालता है कि वो कक्षा में भी ये उद्घोषणा करें कि भाई हम सत्ता प्रतिष्ठान के साथ हैं। और आश्चर्यजनक रूप से ऐसे शिक्षकों की संख्या ज्यादा है जो सीधे सीधे उस तरह की सांप्रदायिक सोच की संस्थाओं से नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि भारत का शिक्षा तंत्र अभी भी गिरते गिरते भी बहुत विशाल है और उसमें बहुत सारी जैसे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इस आपदा में भी अपने अवसर तलाशते हैं, तो शिक्षकों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से, और छात्र छात्राओं को भी ये स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम यहाँ पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए आए हैं, उसके इतर कोई बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये मैसेज चला जाएगा तो बात ठीक हो जाएगी। पुलिस के बारे में मैंने कहा ही कि नफरत की राजनीति पुलिस बल के सहारे फलती फूलती है। वो नफरत केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, वो दूसरी विचारधारा या दूसरी रणनीति को मानने वाले लोगों के प्रति भी रहती है और पहले से ही रहती है, और पुलिस उसमें सरकार के साथ मिलकर के अपनी भूमिका निभाती है इसमें बहुत गंभीरता से। आनंद जी चाहें तो कभी इस पे ऐसे लोगों को जोड़ करके, जैसे पीछे आए थे जो हमारे अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी हैं नारायण साहब, तो विभूति नारायण राय, हाँ विभूत नारायण आए थे, तो जोड़ा जाए इस बहस को खड़ा किया जाए कि पुलिस एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इकाई रहे और वो सरकारों के साथ काम ना करे, तो इस पे बहुत जोर देने की जरूरत है, इस वक्त बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत। जी हमारे साथ शशि शेखर सर भी हैं, तो और भी कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे। प्रोफेसर प्रमोद यादव जी ने हाथ खड़ा किया था, प्रोफेसर प्रमोद यादव जी नमस्कार। मेरी बात, मेरी मुझे जो कहना था आधी बात कह दी गई। पुलिस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है क्योंकि सारी सरकारें, जब से हम लोग छात्र थे 70 के दशक में और अब तक, सारी सरकारें अपने मन के मुताबिक उनको ढाल लेती हैं क्योंकि उनका सर्वोच्च सिद्धांत होता है अनुशासन, आज्ञाकारी होना। ये चीज जो उनके आदर्श में होती है तो वो अनुशासन का पालन तो कर लेते हैं, जो कह दे वही सही, जो कमांडर कह दे। और दूसरी बात यह कि पुलिस का तबका बहुत ही अंडरपेड तबका है, इसकी भी आवश्यकता है कि वो थोड़ा बेहतर उनके सर्विस कंडीशंस बनाए जाएं, और ऑटोनॉमी तो रेस्टोर करना भी, जैसे उन्होंने कहा कि वो सरकार से इतर या सरकार से इंडिपेंडेंट इकाई हो, ऑटोनॉमस इकाई हो, ऐसा नहीं कि सरकार की विरोधी हो, तो वो आवश्यक है। हमारा ख्याल है पुलिस रिफॉर्म्स पे कई दफा बहस हुई है लेकिन हुआ कुछ नहीं है दरअसल। तो पुलिस की भूमिका, मतलब उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बुड्ढों को की टांग तोड़ने के लिए, महिलाओं की टांग तोड़ देते हैं, सिर फोड़ देते हैं और बिना बात के, केवल इसलिए कि वो बैठ के किसी चौक पे अपने वेतन आदि के बारे में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हों, या इस तरह के जो मुद्दे हर किसी को छूते हैं, वो अगर केवल अपनी बात कह रहे हों तो उनकी टांग तोड़ने अगर वो सरकार को माकूल नहीं लगती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उठी है, पुलिस को क्या करना चाहिए। शिक्षकों की बात तो कह दी उन्होंने ही, और हमारा ख्याल है कि शिक्षक अपने आप में एक कर्तव्य होता है कि रोल मॉडल के तौर पे अपने को प्रस्तुत करे, और रोल मॉडल केवल ऐसा ना हो कि स्टीरियोटाइप,
वो दी हुई हालत में अपने को बताए कि इसमें क्या मॉडल फिट होता है और रेशनलिटी क्या होती है और कैसे हमारा भगवान उनके खुदा से या उनका खुदा हमारे भगवान से ज्यादा या कम नहीं हो सकता अगर है तो और ये भी एक ओपन क्वेश्चन है। इस विषय पे हमारा ख्याल सक्रिय चर्चा की आवश्यकता कक्षाओं में होती है। केवल किसी एक धर्म ग्रंथ को पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, वहां पे ये लॉजिक देनी पड़ेगी कि आखिर भगवान के विषय में या खुदा के विषय में हम सोचना कब शुरू किए और क्यों शुरू किए और उसकी क्या वैधता है और वैकल्पिक विचार क्या है। तो ये बातें आनी चाहिए। लेकिन जो हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, हमारा ख्याल है उसके संदर्भ में आज की बात हमें अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण लगी। हमारे पूर्वगामी जितने भी वक्ता लोग थे वो उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें सुझाई और इससे बहुत लोगों में उम्मीदें बढ़ेंगी, नहीं तो ये ना होने से बहुत से लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, खासतौर से उन लोगों की जो कि इसके शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारा ख्याल है ये बहुत अच्छी पहल थी, हम आप संयोजकों को बहुत बधाई देते हैं इस बारे में। बस यही बात हमें कहनी थी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ और जी, पुष्कर राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आदरणीय पैनलिस्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको नोट डाउन कर ले और बाद में हम आपको आमंत्रित करेंगे जवाब के लिए। जी पुष्कर राज जी, अपने को अनम्यूट करके सवाल। मुझे सिर्फ नमस्ते और सबको मेरा प्रणाम। मुझे सब इतना कहना है कि जस्ट सचर इन हिज रिपोर्ट व्हिच he spent quite a bit of time and research, and in that he came out very strongly that representation of various minorities, including within our own Dalits and, you know, whatever minorities we have, we are very poor represented. And not only it is police, but being from army in recent times, you know, I have seen that my army colleagues also are terribly communalized, you know, and we do have a very scant representation in army. So it's a problem of representation, which of course is not inbuilt in constitution, but over the period, and being having, you know, we had a lot of hope in 2006 with Prakash Singh judgment, and after that we have spent almost a decade fighting for it. But I am very sad to state that the police right now, whatever the factors, you know, is worse than it was in 2006 or 2005. So police have got terribly communalized, and it is overall the impact of the overall political direction which we have taken, which is based on fear, intimidation, and might is right. So of course there is a need, but at the same time the scenario is terribly dismal. That's what I need to just add. And so for representation as per Justice Sachar, because it was very close to his heart that unless a few more commissions which were never talked, which appointed this particular committee, you know, like what he came out with that. So there is a need, but there is a very sad state of affairs. That's all I have to say. Thank you. Thank you, Pushkar ji, for an excellent question. And one question is also asked in the YouTube. ये पूछ रहे हैं कि क्या डीएम और एसपी की जिम्मेदारी तय करने से कॉमनल राइट्स के इंसिडेंट कम हो सकते हैं या नहीं। जी तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब अगर कोई देना चाहे। पुष्कर राज जी का जो ऑब्जर्वेशन है
और पुलिस के बारे में ये जो सवाल पूछा गया है, अजीत जी उस पे कुछ बात रखें। जी डॉक्टर अजीत सर। नहीं, उस पर के ऑब्जेक्ट तो कोई असहमति की गुंजाइश, और पुलिस रिफॉर्म्स तो जैसा प्रोफेसर प्रमोद ने बताया कि अब तो जैसे लोकपाल के बारे में सुनते सुनते लोगों के जयप्रकाश जी के जमाने से कान पक गए, ऐसे ही पुलिस रिफॉर्म में तो ड्राफ्ट भी पता नहीं कितने सारे जमा हो चुके हैं, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। और ये जो एसपी और डीएम की जिम्मेदारी वाली बात है, ये कई रिफॉर्म्स में रिपोर्ट में है, और कई चीफ मिनिस्टर्स ने इनफॉर्मली इसको लागू भी किया है। और इसलिए हमने देखा है कि जहां जहां चीफ मिनिस्टर्स ये तय करते हैं, सरकारें ये तय करती हैं कि दंगा ना हो, वहां दंगा होना लगभग असंभव हो जाता है। देखिए, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, पर दंगे 2014 से पहले भी होते रहे, लेकिन दंगों के बाद एक पूरा स्थायी उस लोकेलिटी में नहीं, सारे देश में एक पोलराइजेशन की कोशिश, और फिर वो घटना ना हो करके वो 1000 साल का इतिहास बन जाए, ये सरकार के उसकी पार्टी के इरादे के बिना संभव नहीं है। जो पर जो मैं कहना चाह रहा हूं इस वक्त वो ये कि ये समय इन बातों का नहीं है। आप पुलिस रिफॉर्म इंप्लीमेंट कराएंगे इस सरकार से, ये सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रही, आप कोई काम करने गए हैं, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, वहां सरकार का वकील होगा, सरकार के अधिकारी होंगे, कुछ सेकंड लगते हैं इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, और उनका कारिंदा कह रहा है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, और उसके बाद एक मस्जिद की के गेट को तोड़ रहा है। अब उस गेट को हटाना भी है तो चार पेंच निकाल करके भी गेट हटाया जा सकता है, उस पे बुलडोजर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो गेट निकालना ही अगर बहुत जरूरी है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी तो यहाँ दिल्ली में 75% बस्ती, 75% लोग जिन मोहल्लों में रहते हैं वो गैर कानूनी, 75% लोगों का जो रोजगार है वो गैर कानूनी है, तो कल से उसको बंद करने वाले हैं क्या केवल इसी बुनियाद पर? एक सुपर टैक के दो टावर कुछ फ्लोर टूटने हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कितने साल लग गए, कितने फैसले हो चुके, अभी उसकी रिहर्सल चल रही है बारूद लगा करके, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, और इसको कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में दुकान मकान मस्जिद सब तोड़ देना है क्या? तो हम जिस समय में इस वक्त हैं, ये समय सरकार से संवाद करने का नहीं, सरकार पे दबाव डालने का नहीं है। आप जो जो रिफॉर्म कराएंगे, मान लीजिए वो करते भी हैं रिफॉर्म, तो आप तय मान लीजिए हर रिफॉर्म से उनकी सत्ता, उनका आर्बिट्रीनेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए ये समय इस चीज का नहीं, ये सामान्य समय के संवाद हैं, सामान्य समय की मांगे हैं। जब डीएम ही सरकारी खर्चे से रैली के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को इस वक्त,
जब स्टेट गवर्नमेंट्स की ही पावर उसके अपने ऑफिसर्स पर छीनी जा रही है, इस समय में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करना हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। हम एक समझ बना सकते हैं, हम समझ बना सकते हैं जो बनाते रहना चाहिए, और इसके बारे में जैसा प्रेम सिंह जी ने अभी कुछ समय पहले कहा, आउटस्टैंडिंग हमारे सिविल सर्वेंट्स रहे हैं पुलिस के और प्रशासन के, जिन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में दंगों पर नियंत्रण किया। कई अफसर 2 साल पहले हमारे ही दिल्ली शहर में जो दंगे हुए थे, कई अफसरों का ट्रांसफर, उसमें उन्होंने सरकारी रोल नहीं निभाया, सरकार की भूमिका नहीं मानी जिस ढंग से वो चाहते थे, इसलिए उनको ट्रांसफर किया। तो सारी जानकारी आप ले सकते हैं, लेकिन ये समय सरकार पर दबाव बनाने का नहीं है। इस सरकार के साथ आपको केवल लड़ना होगा, इस सरकार को हटाना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद यादव जी। तो और भी किन्नी का अगर कोई प्रश्न हो तो वो हाथ उठा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तब तक आदरणीय अनंत कुमार सर को से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इन प्रश्नों के संदर्भ में अगर कुछ जवाब देना चाहते हैं कुछ विस्तृत, तो आप आमंत्रित। ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद हुआ, क्योंकि चैट बॉक्स में आपके वक्ताओं के लिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन जगहों से इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों ने प्रश्न भेजे, टिप्पणी की, और इस मायने में भी ये महत्वपूर्ण था कि हमारे 3 बहुत ही सक्रिय राष्ट्रीय विचारकों ने मौजूदा देश के लोगों के बीच में जो एक तरह का दिशा का संकट है उसकी तरफ भी इशारा किया। हमारे अध्यक्ष श्री एनडी पांचोली जी न सिर्फ न्यायमूर्ति सच्चर के सहयोगी थे 1970 के जमाने से, आज 50 साल की ये रिश्ते की कहानी है। डॉक्टर अजीत झा जैसी सच्चर के साथ लोक राजनीति मंच जैसे आज से 30 साल पहले के प्रयासों के सहयोगी और सहयात्री थे, और प्रोफेसर प्रेम सिंह सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जैसे सच्चर के साथ सक्रिय थे। तो हम लोगों को जो बताया गया आज की चर्चा में, उसमें एक तात्कालिक संकट है, वो ये है कि जो नफरत की राजनीति के वकील हैं, जो नफरत की राजनीति के एजेंट हैं, वो सत्ता पर काबिज हैं, और उनके सत्ता पर रहते हुए कोई भी काम कठिन है, कोई भी सुधार हो नहीं सकता, दबाव को मानेंगे नहीं। हमारा ये सब तभी काम आएगा जब सत्ता पर नफरत की राजनीति के लोगों की पकड़ छूटे। दूसरा ये कि हम लोग प्रतिक्रिया के की भूमिका से बाहर निकले। जब कहीं कोई घटना होती है, जहांगीरपुरी की शर्मनाक घटना हुई, या पिछले रामनवमी के त्योहार को रावण का त्योहार बनाने की नाजायज कोशिश कुछ असामाजिक तत्वों ने की, और तब हमारा नाराज होना स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले हम क्या कर रहे थे इसको भी देखें। हमारे दायरे में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, हमारे जैसे ही हैं, पढ़ने लिखने वाले या सरोकार रखने वाले, लेकिन उनका जाति धर्म गांव शहर स्त्री पुरुष की दृष्टि से हमारे जैसा ही एक रूपता का माहौल, एक रूपता का ही स्वरूप है। विविधता हमारे संपर्क में आए तो हमारा अपना जो मोर्चा है जिंदगी का, उसमें
नफरत की राजनीति से मुकाबले का धर्म पूरा होगा। इसके लिए मोहल्ला समिति की बात कही जा रही। मोहल्ला माने क्या? 5-7-10 लोग और ज्यादा नहीं बैठे, उन्होंने बात की। जैसे आज अभी इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ थे और देश के कई हिस्सों से 39 लोग जुड़े हैं और फेसबुक और यूट्यूब से 2,500-3,000 और जुड़े होंगे। तो हम तो 1,30,00,000,000 के देश हैं, उसमें ये 2,500-3,000 की क्या गिनती। लेकिन गिनती है कि सन्नाटा तो पहले एक ऐलान से टूटता है, अंधेरा पहले दीप से दूर होना शुरू होता है और फिर तो हजारों दीप जलते हैं। तो आज आप सबने ये दीप जलाने में हमारे सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी के निमंत्रण को स्वीकार, ये बहुत खुशी की बात है। इन तीनों सदियों का भारतीयों ने जो वरिष्ठ नागरिकों में भी गिने जाते हैं, वरिष्ठ चिंतकों में भी गिने जाते हैं, इन्होंने बहुत सरल तरीके से बहुत खतरनाक हालात में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट किया। और अब हम आशा करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी ने तय किया है कि 2024 मार्च तक, कि अगली सरकार चुने जाने का वोट होगा, तब ये घंटे दो घंटे की बहस से नहीं चलेगा, हफ्ते दो हफ्ते के कार्यक्रमों से भी नहीं होगा। लेकिन घंटे दो घंटे की बहस से ही तो आखिर अगले 2 साल का संवाद चलेगा, और 2 दिन 4 दिन 7 दिन लगातार कार्यक्रम करना इस सिलसिले का हिस्सा होगा। तो मैं आप सब की तरफ से इन तीनों विशेषज्ञों को धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने सवाल पूछ करके इस चर्चा को जीवंत बनाया, उन संवादियों का आभारी हूं। जिन लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी जैसे मंच से कैसे जुड़ सकते हैं, तो उनके लिए 2 सुझाव है। एक तो ये कि आप इस मंच से जुड़ने की परेशानी में क्यों पड़ते हैं, आप अपना एक शुरू करिए। हर मोहल्ले, हर संस्थान, हर कॉलेज में 2-4-10 तो आप जैसे होंगे। और दूसरा, अगर इससे जुड़ना है तो एक ईमेल भेज देंगे तो हम आपके ईमेल के जरिए जो अगले कार्यक्रम होंगे उनकी सूचना भेजेंगे, और आपकी मदद से आपके जिले में, आपके कॉलेज में, आपके मोहल्ले तक में, क्योंकि सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी का देश भर का ताना बाना इतनी क्षमता तो रखता ही है कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आप संवाद करना चाहते हैं, तथ्यों के आधार पर लोगों के बीच में जो भ्रम फैले हुए हैं, नफरत फैलाई जा रही है, उसका समाधान करना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास उतनी क्षमता है। दूसरी क्षमता ये भी है कि अगर आपके यहाँ कोई अन्याय हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है खुलेआम पुलिस द्वारा, अध्यापक द्वारा, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो उसमें भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, इतनी क्षमता हम लोगों की है। तो सक्रिय योगदान के कई स्तर होंगे, और उनमें से एक तो यही होगा कि आज ही आप अपने मित्रों में जो किसी अन्य धर्म के हैं उनसे मिलें, उनके धर्म के बारे में पूछें और अपने धर्म के बारे में बताएं, और फिर जो नफरत के सौदागर हैं उनकी पहचान करके उनके तौर तरीकों का प्रतिरोध करने के लिए और अपनी तरफ से बात को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। अगले कार्यक्रम तक हम आपसे विदा लेंगे, और इस सब को संयोजित करने के लिए डॉक्टर रणधीर गौतम का जो बहुत ही प्रशंसनीय योगदान है उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा आभार जो है फैजल भाई का है, वो सूत्रधार हैं आज के प्रोग्राम के लिए, और आप सभी लोगों का जो इतने व्यस्त समय, व्यस्तता होते हुए भी आज की गोष्ठी के लिए आप लोगों ने समय निकाला। और जो भी लोग सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी से जुड़ना चाहते हैं, जबकि अभी अब बोल दिया गया है कि जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने इलाके में ही सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमोनी का जो उद्देश्य है वो उसके लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक ईमेल आईडी है societyforcommunalharmony@gmail.com, उस पर आप अपना नाम पता भेज सकते हैं। और जो भी लोग हमारे गोष्ठी में जुड़ते हैं वो फीडबैक फॉर्म में
जो डिटेल है उसको करेक्टली भरें ताकि आपको मिल जाए और आपका साथ जो हमारा एसोसिएशन है वो कंटिन्यूअस हो। ठीक, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज वक्त हो चुका है 8, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।